जिनके पास वो स्मार्टफोन है, किस तरह का स्मार्टफोन है और क्या क्या इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये सैमसंग का स्मार्टफोन है और अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। फ्रंट कैमरा की बात अगर की जाए तो फ्रंट जहाँ लिखा है युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब हो रहे हैं सपने साकार। बीएड सेकेंड ईयर के छात्रा हैं और भविष्य के लिए ही दिया गया, तो इससे अपने एजुकेशन से संबंधित जो है ऐप डाउनलोड करके उस पर पढ़ाई कर सकेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ विष्णु राठौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जिस तरीके से वादा किया था कि छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे और ये जनपद में जो टैबलेट और स्मार्टफोन है उनका वितरण कर दिया गया। एक ऐसी छात्रा हमें मिली हुई है जो भड़तरा क्षेत्र की रहने वाली है और इटावा जनपद में ये भड़तरा क्षेत्र पड़ता है। इनके पास वो स्मार्टफोन है, किस तरह का स्मार्टफोन है और क्या क्या इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, वो सारी चीज हम आपको दिखाएंगे और जो छात्रा है उनमें किस तरह की खुशी देखने के लिए मिल रही है तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो स्मार्टफोन है जहाँ लिखा हुआ है, एक डब्बे पर लिखा है, देख सकते हैं आप। ये जो स्मार्टफोन है ये सैमसंग का स्मार्टफोन है और गैलेक्सी A03S और इसको अगर यहाँ देखेंगे तो एक इधर जो चिट लगाया गया है, कह सकते हैं जिस विद्यालय से इनको ये जो स्मार्टफोन मिला हुआ है इस तरीके से यहाँ पर स्टिकर लगाया गया है और यहाँ पर जो छात्रा है उनका नाम भी लिखा गया है और किस ईयर और किस सेमेस्टर की छात्रा है, कोर्स बीएड और यहाँ पर ईयर सेमेस्टर लिखा गया है सेकंड ईयर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक चिट लगाई जिससे इनको पता चल सके ये इन्हीं का टैबलेट है और जब भीड़ में इस तरीके से टैबलेट बांटे जाते हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, किसी का कोई टैबलेट ना लेकर चला जाए। और अगर इसकी फीचर्स की बात करेंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गैलेक्सी का सैमसंग गैलेक्सी का A03S मोबाइल फोन है जिसमें ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं और जो ट्रिपल बैक कैमरा है एक के यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का है, फिर तीसरा भी यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का है। और जो फ्रंट कैमरा की बात अगर की जाए तो फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 5000 mAh की दी गई है। अब हम आपको इसमें फोन भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इसके अंदर फोन मिलने वाला है, किस तरीके का इसका जो लुक है वो निकल कर आता है, वो फोन आपको यही ओपन करके दिखाएंगी। दिशा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, देखिए किस तरीके से इनको फोन मिला हुआ है और इनमें कैसी इनमें खुशी देखने के लिए मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्मार्टफोन है, इन्होंने ऑन करके पहले से रखा है जहां लिखा है युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब हो रहे हैं सपने साकार। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है और प्रधानमंत्री जी उनकी भी तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो है वो लगा हुआ है। तो कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक फ्रंट पे ये वॉलपेपर दिया गया है, जिस तरीके से पहले जो लैपटॉप थे वो वटे थे और उसमें भी ये एक तस्वीर लगाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की और अब यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो वितरण किए जा रहे हैं। कह सकते हैं जो छात्र छात्राओं का जो सपना था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो बच्चे जो पढ़ाई करते थे अब ऑनलाइन किया करेंगे अब इन्हीं स्मार्टफोन और टैबलेट से, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके पास जो टैबलेट और मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो उनको इस तरीके से जो टैबलेट और मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं उनको काफी राहत मिल रही है और इनमें एक अलग ही अंदाज में नई खुशी झलकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इनसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है इनको जो आपको स्मार्टफोन मिला है, कहाँ से मिला है और किस विद्यालय की आप छात्रा हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि बच्चों को सारे लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का लाभ देने को चाह। इससे हमें ये फायदा हो सकता है कि जो कोरोना काल में ऑफलाइन एजुकेशन बंद हो गई थी तो उससे बच्चों की एजुकेशन काफी प्रभावित हो गई थी और बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़ रहे थे लेकिन काफी बच्चों के पास मोबाइल या स्मार्टफोन ना होने की वजह से वो परीक्षा से एजुकेशन से वंचित हो रहे थे। इस कारण उन्होंने ये बहुत अच्छा योजना चलाई है कि उन्होंने सभी को स्मार्टफोन वितरित किए जिससे अब कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा जो है पढ़ाई करने के लिए सक्षम है और अपना फ्यूचर जो है बहुत उज्ज्वल तरीके से बेहतर कर सकता है। आप कौन सी क्लास की जो छात्रा है और किस विद्यालय से आप पढ़ाई कर रही है? हम बीएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्रा है
और हम विदुना तुलसीराम महाविद्यालय से ये औरैया जनपद में पढ़ते हैं। औरैया जनपद तो अब आपको जो ये स्मार्टफोन मिला है, अब इससे आप क्या कुछ करने वाली हैं? क्या वही वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप वगैरह ये सब चलाएंगे या कोई नया जो अपना भविष्य है वो बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, ये भविष्य के लिए ही दिया गया है, तो इससे हम अपने एजुकेशन से संबंधित जो है ऐप डाउनलोड करके उस पर पढ़ाई कर सकेंगे और अपने फ्यूचर को और अच्छा ब्राइट कर सकेंगे। तो देख सकते हैं ये भड़तना क्षेत्र की दिशा गुप्ता जी हैं जिनको ये स्मार्टफोन आज मिल चुका है और इनमें एक अलग ही खुशी देखने के लिए मिल रही है, चेहरे पर जो एक नई मुस्कान आज देखने के लिए मिली है और इस स्मार्टफोन को पाकर हर एक छात्र छात्रा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि विद्यार्थियों को हम स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे, आज वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया है और फर्स्ट फेज में इनको पहला जो स्मार्टफोन है वो मिल चुका है। अब इसी तरीके से और भी आगे जो टैबलेट है स्मार्टफोन है वो लगातार वितरण किए जाएंगे। फिलहाल हम आपको यही दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो किस तरीके का है और क्या क्या उसमें फीचर्स मिलने वाले होते हैं। तो यही इसमें दिया गया कि 5000 mAh की इसमें बैटरी है और बैक जो कैमरे हैं वो इसमें 3 कैमरे दिए गए हैं, एक 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का है और तीसरा भी 2 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिससे सेल्फी भी ले सकते हैं आसानी से और जो फोटो है वो क्लियर आ सकती है बैक कैमरे से। तो काफी अलग ही अंदाज में बच्चों में खुशी दिख रही है और अपने भविष्य को इस स्मार्टफोन के जरिए से बनाएंगे क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे जिनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं हुआ करते थे, अब उन तक स्मार्टफोन और टैबलेट पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप देखते रहिए MSS न्यूज, ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।